हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों एक्सट्रीम नाम का एक नया स्पैनिश फिल्म मैंने देखा नेटफ्लिक्स पर ये स्पैनिश जॉन विक आप कह सकते हो एक्सट्रीम एक्शन मतलब आपको ब्रूटल वायलेंट एब्सोल्युटली ब्लडी एक्शन देखना है तो आप एक्सट्रीम देख सकते हो क्योंकि एक्शन के मामले में बहुत बढ़िया उन्होंने दिखाया है एक्शन को बहुत बढ़िया शूट किया एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बेस्ट तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो दिखाया इट्स ब्लडी इट्स ब्रूटल बट इट इज आल्सो वेरी वेरी एंगेजिंग टू वॉच जस्ट लाइक जॉन विक गन फाइट एक्शन सीक्वेंसेस सो अगेन कोरियोग्राफ सो वेरी नाइसली दैट इट इज वेरी फन टू वॉच वेरी एंगेजिंग टू वॉच एंड आल्सो जो ट कटिंग स्लैशिंग किलिंग हुआ है जिसमें ब्लड वर्ड ऐसे वूज आउट होता है गर्दन से उधर से, से हर जगह से कुछ कुछ ड्रिलिंग शॉर्ट से हर डिफरेंट का सारा चीज एलिमेंट एक्शन का आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा आप सिर्फ जॉन विक सोच ले रहे जॉन विक का जो एक्शन है वो कुछ और ही बेहतर लेवल का है लेकिन ऑलमोस्ट वैसा एक सिमिलर फिल्म इन्होंने बनाने का कोशिश किया और कुछ हद तक एक्शन के मामले में दे हैव है इज वेरी नाइसली कोरियोग्राफ वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड एंड वेरी नाइसली शॉर्ट सबसे बेस्ट आप जब शूटिंग टेक्निक देखोगे ना उतना वो शेक वेक नहीं है यार इवन जो फास्ट एक्शन मूव को जिस तरह से उन्होंने शूट किया दैट शूटिंग विल रियली रियली यू नो पुल योर अटेंशन एंड कीप योर अटेंशन फोकस्ड ऑन द एक्शन सीक्वेंस एंड एक्शन को जो एक्टर्स ने एग्जीक्यूट किया है खासकर गार्सिया जो मेन लीड में है वो प्लेज मैक्म मैक्सिमो यार बहुत बढ़िया एक्शन किया है बहुत रॉ लगा है बहुत इंटेंस लगा, लगा है बहुत एग्रेसिव लगा है पैशनेट लगा है और जब भी वो एक्शन करता है यार ऐसा लगता है एक्शन विथ इमोशन उनके अंदर से आ रहा है सो so, वो सब मामले में बहुत अच्छे हैं बहुत बहुत ब्रूटल भी है उतना तो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है तो आप आपका टेस्ट है अगर ऐसे मूवीज में तो आप देख सकते हो स्टोरी के मामले में बहुत ही थ्रेड बेयर स्टोरी है वेफर तिन प्लॉट है रिवेंज वाला स्टोरी है बंदे के बेटे को मार डाला बंदा बच गया तो अभी रिवेंज लेना है जिसने उसके बेटे को मारा है जिसने उसका उसके लाइफ को तबाह किया उससे रिवेंज लेना सिंपल रिवेंज स्टोरी है बट इट इज The the action action choreography that will keep you hooked and I'm going with three stars because I terrifically enjoyed watching the action and every single actors, the stunt performers, everyone. जो अलग अलग टाइप का एक्शन देखने का मौका मिला इसमें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है थ्री स्टार्स फ्रॉम मी फॉर द एक्शन मेजरली एंड ओनली फॉर द एक्शन अदरवाइज हाँ एक्टिंग की बात करो तो एक्शन जो गार्सिया ने किया है और जो बाकी लोगों ने किया वो एक्टिंग एक्टिंग आउट दैट एक्शन पार्ट वॉज वेरी 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 नाइसली डन सो एक्टिंग एक्शन के मामले में भी सुपर रहा है क्योंकि आप जब एक्शन करते हो ना एक्शन इज बेसिकली एक्टिंग ओनली क्योंकि कोई असली में किसी को मारता नहीं है यार, सेट्स पे फिल्म करते हो। तो वो एक्टिंग को रियल दिखाना एकदम रियलिज्म लाना आपके एक्शन में उसको एक्टिंग ही बोलते हैं। तो वो हिसाब वो से आई थिंक सभी लोगों ने बेहतरीन काम किया सो थ्री स्टार्स लेट मी रियाइट्रेट इफ यूर टेस्ट लाइज इन